नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन तेज। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े, गाले फेस पर प्रदर्शनकारी जमा। रालिन विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद भी श्रीलंका में शांति में बहाली नहीं हुई है। उन्हें गोटबाया का मोहरा बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन और तेज कर दिया है। इधर गुरुवार देर रात कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर गाले फेस में फोर्स और सैकड़ों प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात किया गया था। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ना शुरू कर दी तो वह उग्र हो उठ। गाले फेस पर प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने। प्रदर्शनकारियों ने कहा, रानिल विक्रमसिंघे हमें नष्ट करना चाहते, वह फिर से ऐसा कर रहे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बीच एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम अपने देश को ऐसी घटिया राजनीति से मुक्त बनाना चाहते। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।